हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, तुम लोग देख सकते हो मेरी हालत कैसी हो रखी है, क्योंकि अभी मैं सो के उठी हूँ और मेरे पास एक बहुत ही चटाकेदार प्लान आया है। मेरे पास टाइम कम है व्लॉग करने का, क्योंकि शिल्पा जा रही है अपनी बर्थडे ड्रेस देखने, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं उसको सरप्राइज देती हूँ जो मुझे देना है, क्योंकि अगर वो ले आई बेचारी तो उसके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे और मैं उसके लिए ऑलरेडी बर्थडे ड्रेस लेके आ रखी हूँ गाइज। सो यस, पर मैंने सोचा उसको अच्छे से, बहुत सारे ना मेरे पास पन्नियाँ मैंने इकट्ठी की हुई हैं जो भी हम ग्रॉसरी लाते थे उसकी, तो उसमें डाल के अच्छे से पैक करके दूंगी और उसके लिए सरप्राइज होगा। पहले मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ ड्रेस कैसी है। वेट गाइस, आप लोगों ने ये ड्रेस तो देखी होगी, तो ना मेरा मन था कि मैं शिल्पा को ये वाली ड्रेस दे दूं एज अ बर्थडे गिफ्ट, पर ये मैं अपने बर्थडे पहनने के लिए लाई थी। क्या हो गया इसमें? ये वाली जो ड्रेस थी ना, पर्पल वाली, ये मैं अपने बर्थडे पहनने के लिए लाई थी और ये 7000 कॉस्ट किया था इसने मुझे, तो मेरा ना अंदर से मतलब जमीर गवारा नहीं हो रहा था कि मैं उसको दे दूँ। मतलब मैं अच्छी बहन हूँ, अगर मैंने इसको एक बार पहन लिया ना तो मैं उसको दे दूंगी हमेशा के लिए, ले चाहे फिर वो, पर मैं एक बार इसको पहनना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत इच्छाओं के साथ ये ड्रेस ली थी। पहले जब ये ऑनलाइन आई थी ना, तो मैंने ट्राई किया कि ऑनलाइन में ले लूँ, तो इसमें साइज नहीं था। फिर ये भी मुझे आता नहीं है फिट, ये छोटा है क्योंकि ये एक्सेस है ना, हाँ, तो ये भी मुझे छोटा है, पर फिर भी मैंने ले ली थी क्योंकि लास्ट पीस बचा हुआ था ज़ारा में और मैं बहुत भागते हुए गई थी विवेक को लेके कि मुझे ये ड्रेस चाहिए। तो तुम लोगों को क्या थॉट आता है कि मैं दे दूँ उसको ये ड्रेस? पर मैं उसके लिए वो वाइट वाली लेके आई थी ऑलरेडी, और ये मेरी मोस्ट फेवरेट ड्रेस है। इसको तो पहनने का मेरा इतना मन है ना कि मैं इसको पहन के घर में भी घूम लूँगा, इस ऐसे वाला मन है मेरा बिल्कुल। तो कोई नहीं, ये तो नहीं फिलहाल शिल्पा को देंगे हम, बट या सम अदर टाइम, अगर मैंने एक बार पहन ली तो उसके बाद तो फॉर श्योर मैं दे दूंगी, फिर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस वो पहने इसको चाहे 100 बार, क्योंकि ये ना वो होता है जब दो बहनें होती है ना घर में, तो ये होता ही होता है कि अगर मैं कोई कपड़े ले आई, वो कोई कपड़े ले आई, तो वो उसको पहले पहनेगी, फिर चाहे कोई भी पहन ले पर पहले वो ही पहनेगी। सो या यही बता रही थी, तो अब मैं तुम्हें दिखा दूँ व्हाइट वाली ड्रेस। देख गाइस, मुझे ढूंढनी पड़ेगी वो ड्रेस मैंने कहाँ रख दी है। जब मैं उस दिन कपड़े लगाए थे, मैंने पता नहीं वो ड्रेस कहाँ रख दी यार। हे राम, दो मिनट रुको गाइस, ढूंढने दो। सो गाइस, ये है वो ड्रेस, क्योंकि शिल्पा को कुछ व्हाइट ही पहनने का मन था, तो ये है व्हाइट स्कर्ट, मैं तो बहुत क्यूट लगी है ये ड्रेस, और ये है उसका व्हाइट टॉप। आप लोग बताना कमेंट करें कैसे लगी, क्योंकि उसको कुछ व्हाइट फ्रॉक में चाहिए था, बट मैं ऑलरेडी लेके आई हुई थी, दिल्ली से ही खरीदी थी मैंने उसके लिए, तो हम इसको अब करते हैं पैक, और मैं दिखाती हूँ मैं कैसे पैक करूंगी। कहाँ गई सारी पन्नी? ये रही गाइस, इतनी सारी पन्नियां हैं और इसमें अब मैं एक एक करके पैक करूंगी। सबसे पहले हम डालेंगे द स्मॉलेस्ट वन, अब इसको करेंगे फोल्ड, ये सबसे बड़ी है, नहीं सबसे बड़ी तो नहीं है, इससे भी बड़ी है, तो फिर अब सेकंड है ये। आई थिंक दैट्स इट गाइस, ज्यादा पन्नी हो गई है, एक और डाल देती हूँ ये इम्पैक्ट पड़वाने के लिए, मैं ज़ारा से लाई हूँ। ये गिफ्ट शिल्पा को बर्थडे गिफ्ट में देना था, बट वो अपनी ड्रेस लेने जा रही थी, तो मैंने सोचा पहले देती हूँ ताकि वो अगर उसका मन हो तो वो ये पहन लेगी, वरना वो ले आएगी अगर उसको नहीं पहनना होगा बर्थडे पे तो। सो या लेट्स गो।
शॉपे करके लाए हो ऐसे तेरे लिए बर्थडे ड्रेस, 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 तेरे लिए पागल है क्या? सही में तेरे लिए सरप्राइज था इसलिए मैं इतनी देर से बाहर थी। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। तेरे लिए बर्थडे ड्रेस थी। ओह शिट, क्या यार काजल, रुक जाओ गाइस अभी आते हैं। तेरे लिए बर्थडे ड्रेस, तेरे लिए बर्थडे ड्रेस, यस क्योंकि तू जा रही थी अपनी बर्थडे ड्रेस लेने जैसे कि आज, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं तुझे दे दूं क्योंकि पहले तू ना कर ले जो तेरे को करना है। मुझे लग नहीं रहा तो डिजर्विंग भी है किसी ड्रेस के जिस हिसाब से तेरी हालात हो रहे हैं। क्या हो गया भाई, गला वाला सूख गया आपका तो बर्थडे ड्रेस के नाम पे? खोलो ये कैसे ज्यादा ये क्या लाई है तुमने? गमछा। ये क्या ड्रामा है भाई, गिफ्ट तो ऐसे ही होता है शिल्पा। ये कूड़ा इकट्ठा करके लाई है, सबसे खुलवा रही है। नहीं यार अबे आराम से खोल, मेरे को टाइम भी तो लगा है पैक करने में, तूने तो सब कुछ खोल दिया। तेरे लिए पन्नियां इकट्ठी की हुई है तूने? ये सब ग्रोसरी वाली पन्नियां करीम की और So are you ready? रुक जा। वन टू गेस कर पहले क्या होगा इसमें, सच सच गेस करियो। है तो कपड़े ही, कैसे मतलब क्या हो सकता है? टॉप हो सकता है, पैंट्स हो सकती है, क्या हो सकता है? इतनी छोटी सी लग रही है तो मेरे हिसाब से टॉप है। ठीक, तो एक्साइटेड नहीं लग रही शिल्पा? इसलिए लग रही क्योंकि तुमने मेरे को पागल बना दिया। चुप रहे। चल हाँ चल अब मत बन के दिखाओ, ओवर एक्साइटेड कॉल फटाफट। हाँ चल ओए 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 बस 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 शिल्पा हो गया, बस खोल ले अब चल। ओ वाओ व्हाइट कलर में कुछ है, खोल ले। ये तो बहुत ज्यादा प्रिटी आउटफिट ले आए आप, अच्छी लग रही है ना? बहुत ही सुंदर आ जाएगी ना तेरे को, ये टैग तोड़ के लाई है। हाँ ताकि तुम्हें देख लो, ताकि तुम्हें शर्मिंदा ना फील कराए। क्या साइज है? स्मॉल, बिल्कुल परफेक्ट। तो वाइट ही चाहिए था ना कुछ? हाँ यार तू गई तो नहीं कहीं? मैंने ये मैं ऑलरेडी लेके आई हुई थी इंडिया से। यस मैंने इनको फर्स्ट डे बता दिया था कि मैं लेके जा रही हूँ उसके लिए ड्रेस, पर मैं तेरे को बर्थडे पे देती। पर ओए यार नहीं, वो करीम की पन्नी का बेल है, चल निकल। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच काजल। अब यही पहन लियो बर्थडे पे, अगर तुझे सही लगे, वरना कुछ और भी पहन सकती है। अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है। ठीक है अब मेरी ड्रेस के पीछे मत आइयो पर्पल वाली के। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम्हें कैसी लगी है ड्रेस गाइस। बाकी शिल्पा को ऑलरेडी विश कर दो बर्थडे, दो दिन बाद तो बर्थडे है ही। और बस अब मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय कर दो सबको आप।